वेलकम टू फैमिली कुकिंग कॉर्नर। और आज हम बनाने वाले बचे हुए चावल के उत्तपम, जो बहुत ही टेस्टी और आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने 2 कप बचे हुए चावल लिए, 1/2 कप दही, 1/2 कप सूजी, 1 प्याज, थोड़े हरे धनिया, 1/2 कैप्सिकम और 1 हरी मिर्च ली है। सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे और उस मिक्सर जार में हम बचे हुए चावल है वो डाल देंगे। चावल इसमें डालने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा पानी डालने के बाद हम इसे पीसकर एक पेस्ट बनाएंगे। देखिए ऐसी पेस्ट हम बनाएंगे। अब इस पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल देंगे। हमें पेस्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है। अब हम इसमें 1/2 कप सूजी डालेंगे और सूजी डालने के बाद हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम के बाद प्याज डालेंगे और इसमें हरी मिर्च और धनिया डालेंगे और इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स होने लगा है। अब हम इसमें 1/2 कप दही डालेंगे और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। सारा पानी एक साथ ना डालकर हम जितनी ज़रूरत हो उतना थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे। हम यहाँ थोड़ा पानी और डालेंगे। अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और फिर से इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है। देखिए इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब हम बैटर को ढक कर 15 से 20 मिनट ऐसे ही रख देंगे और 15 मिनट के बाद फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए एक तड़के पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे और ऑयल गर्म हो जाए बाद में हम इसमें 1/2 टीस्पून राई डालेंगे। राई अच्छी तरह से फूट जाए बाद में हम इसमें 1 टीस्पून जितने उड़द दाल डालेंगे और बाद में हम इसमें 2-3 करी लीव्स डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इस तड़के को हमारे बैटर में डाल देंगे। और बैटर को फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम एक नॉनस्टिक तवा
तवा लेंगे और उसे मीडियम गैस पर गर्म होने देंगे। तवा गर्म हो जाए बाद में हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर उत्तपम का बैटर डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा जाली वाला बन रहा है। अब हम इसके साइड पर भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और हमें गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है और जब तक एक साइड से पका जाए तब तक हमें वेट करना है। देखिए एक साइड से पक चुका है, अब इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी पकने देंगे। दूसरी साइड से भी अब पक चुका है। इसी तरह से हम सारे उत्तपम बना देंगे। हमारे बचे हुए चावल के उत्तपम तैयार है। ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए।